हाय व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। आज हम बात करेंगे कि एलईडी टीवी की बैक लाइट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे डायग्नोस करेंगे कि कौन सी एलईडी लाइट हमारी ख़राब है और इसे कैसे चेंज करेंगे। तो इस काम के लिए हमें 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जो कि मैंने रिमोट में ये सेल डालकर हासिल किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, तो 2 सेल्स को जब हम सीरीज़ में लगाएंगे तो 3 वोल्ट। ये अब आप देखें कि मीटर पे हमारे पास 3 वोल्ट शो हो रहे हैं, तो 3 वोल्ट की कोई भी सप्लाई हमें इस काम के लिए चाहिए होगी। ये हमारे पास एलईडी है और ये इसकी बैक लाइट स्ट्रिप है। याद रखें कि एलईडी की जो बैक लाइट होती है उसमें हर लाइट 3 वोल्ट की होती है, तो 3 वोल्ट की लाइट को चेक करने के लिए हमें 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जो कि हमने इस तरह से बनाई है। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे गौरतलब है कि अगर आपकी पूरी स्ट्रिप में से कोई एक लाइट भी डैमेज है तो आपकी बैक लाइट सारी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सीरीज़ का सर्किट होता है। ये 3 जो स्ट्रिप्स हैं ये तीनों सीरीज़ में हैं और फिर इस एक स्ट्रिप में जितनी भी लाइट्स हैं ये भी सीरीज़ में हैं। तो हमने एक एक लाइट को इस तरह से चेक करते जाना है और देखते जाना है कि कौन सी लाइट डैमेज है। हम उसे रिप्लेस करेंगे तो हमारी पूरी बैक लाइट ठीक हो जाएगी। ये हम चेक करते रहे हैं और ये जो लाइट है ये काम नहीं कर रही, और इसी तरह हम नेक्स्ट आगे जाते जा रहे हैं। ये सारी काम कर रही हैं, एक एक लाइट को हम चेक कर रहे हैं, ये काम कर रही है। ये जो लाइट है बीच में पूरी स्ट्रिप में एक लाइट जो है वो काम नहीं कर रही। अब हम आगे चलते हैं। वैसे में हमें पता चल गया है कि हमारी 2 स्ट्रिप में 2 लाइट्स ख़राब हैं। हम किसी और स्ट्रिप में से एक लाइट काट रहे हैं और ये लाइट हम इस जगह पर लगाएंगे जहां पर ये लाइट जो लाइट्स ख़राब हैं उनको हटाकर ये वाली लाइट हम इंस्टॉल करेंगे। आप हमेशा एक चीज़ जहन में रखें कि ये जो स्ट्रिप होती है इसमें सारे जो एलईडी लाइट्स होती हैं वो सीरीज़ में लगी हुई होती हैं। तो अब हमने ये जो दूसरी स्ट्रिप से काटी है इसके ऊपर से कोडिंग हम उतारेंगे, तो यहाँ से ये हमें टर्मिनल एक इसका मिल जाएगा और इधर से हम इसको काविया कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह हमने इसको काविया कर देना है सीरीज़ में।
व्यूअर्स, इस तरह से आप अपनी बैक लाइट स्ट्रिप को ठीक कर सकते हैं और जो उसमें से फॉल्टी हो उसे चेंज करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आईटी मेनिया को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।